मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो सुविधाएं हैं, अलग अलग वॉलंटियर ने अलग अलग तरीके से इस दीपक को यहाँ पर लगाया है। अभी हम आज सकते हैं, कुछ लोग बाय बाय कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो झांकियां बनाई जा रही है इसके अंदर एक ट्रक, तो आप देख सकते हैं पीछे ये दशरथ जी का महल है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ चुके हैं अयोध्या में, आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर तैयारी हो रही है, यहाँ पर आने वाले हैं मोदी जी और यहाँ पर तैयारी चल रही है। अलग अलग तरीके के यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं भगवान राम जी के, यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएँ यहाँ पर की जा रही हैं। और यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आए हैं और अपना अपना वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस जगह के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरीके की यहाँ पर डिज़ाइनिंग और भगवान राम जी की मूर्ति को यहाँ पर पोस्टर के जरिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर मोदी जी आने वाले हैं, राम जी के पोस्टर को लगाया जा रहा है और सजाया जा रहा है इस यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आए हुए हैं और वो इन चीज़ों को दिखाने के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तैयारी चल रही है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो झांकियाँ बनाई जा रही है इसके अंदर एक ट्रक फिट किया जा रहा है, उसके ऊपर पोस्टर लगाया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ट्रक किस तरीके से फिट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रक इसमें फिट किया गया है और उसके ऊपर से पोस्टर चारों तरफ से लगाया जा रहा है ताकि इस पर बैठ कर झांकी दिखाई जा सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए कितना खूबसूरत झोपड़ी जैसा बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का काम किया जाएगा, कल झांकी निकलेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको जो दिख रहा है ना, ये ट्रक है और ट्रक के ऊपर ये डिज़ाइन किया गया है और पूरा लंबा वाला ट्रक है। और इसके ऊपर देख सकते हैं हनुमान जी का ये चित्र बनाया गया है और इस साइड भी बहुत सारे राम जी के देख सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी पत्थर लेके आ रहे हैं और पुल बना रहे हैं जो श्रीलंका से भारत को जोड़ता है। और यहाँ पर कुछ जो पेंटर हैं वो लोग कटिंग करके यहाँ पर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर को कटिंग करके उस ट्रक के ऊपर डिज़ाइन करके लगाया जा रहा है ताकि झांकी को दिखाया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं और उस साइड भी आपको देख, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। और ये झांकी लगभग कल या परसों, मतलब दीपावली के दिन निकाली जाएगी। अभी हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी पे। ये हनुमानगढ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है अयोध्या में, हनुमान जी का फेमस मंदिर है। माना जाता है कि जब राम जी रावण पर विजय प्राप्त करके आए थे तो वो अपने साथ जो हनुमान जी थे वो भी आए थे, तो उनका जो स्थान हुआ था यही हनुमानगढ़ी हुआ था, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा फेमस है। काफ़ी ज़्यादा लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो अपने माना जाता है कि यहाँ पर जो मानी जाती है वो रहती है, इसलिए यहाँ पर दर्शन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आपको देखने को मिलेंगे। इस मंदिर के साइड में ही आपको पूजा की हर एक सामग्री मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिष्ठान मिल जाएंगे, इसमें चढ़ावा चढ़ाने के लिए ढेर सारे फूलमाला यहाँ पर बिकते रहते हैं और यहाँ पर आप इनको लेकर चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुलिसकर्मी लगे हुए हैं इसकी सेफ्टी के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ रखे हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ दशरथ महल में। इसी के बगल में ही दशरथ महल है, तो चलिए हम दशरथ महल में चलते हैं। ये दशरथ महल का रास्ता है, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु जा रहे हैं और आ रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं पीछे ये दशरथ जी का महल है, ये श्री राम जी के पिताजी का महल है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा महल है। तो चलिए मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ। देखने को मिल रहा होगा, लिखा होगा श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल। तो चलिए मैं आपको इसको इसके अंदर लेके चलता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। ये लगभग टाइमिंग के हिसाब से ओपन होता है और बंद हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, किसी के अधीन नहीं है, ये एक अखाड़ा है उसी के अधीन ये आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग, यहाँ खुल चुका है मेरे हिसाब से, ये 4 बजे से खुलता है तो यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो काफ़ी सारे लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर का प्रांगण आपको कैसे देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ा है अंदर का प्रांगण और काफ़ी सारे लोग अंदर गए हैं और वहाँ पर अपने पूजा पाठ कर रहे हैं।
राम के पेदी का खास बात ये है कि कल छोटी दीपावली मनाने वाले हैं लोग, कल यानी 23 अक्टूबर को खास इस बात के लिए है क्योंकि कल मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो सुविधाएं हैं और ज़्यादातर यहाँ पर जो फंक्शन किया है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया है और जो दीपकों की संख्या है वो काफ़ी लाखों में यहाँ पर रखी गई है। अलग अलग वॉलंटियर यहाँ पर रखे गए हैं और उन्होंने अलग अलग वॉलंटियर ने अलग अलग तरीके से इस दीपक को यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में है और ये कल दीपावली मनाई जाएगी, छोटी दीपावली। तो मैं आपको दीपावली दिखाऊंगा और काफ़ी भयानक दीपावली मनाई जाती है यहाँ पर, छोटी दीपावली मनाई जाती है और बड़ी दीपावली भी मनाई जाती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली भी। और यहाँ की प्रशासन व्यवस्था जो है काफ़ी मजबूत की गई है और यहाँ पर अलग अलग जगह पर पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग दीपक के जो 16x16 का रेशियो बनाया गया है दीपक का, वहाँ पे अलग अलग वॉलंटियर खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा और काफ़ी संख्या में यहाँ पर देखने वाले लोग आकर यहाँ पर बैठे हैं, देख रहे हैं इस नज़ारे को। हालांकि कल जो नज़ारा होगा वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा इसके मुकाबले। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग बाय बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे देखो बंदरों की संख्या यहाँ पर भी है, हालांकि छोटे बंदर हैं, यहाँ पर ढेर सारे बड़े बंदर आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी भयानक दृश्य है यहाँ पर और काफ़ी बहुत बड़ा ये राम का पेदी है। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम आपको छोटी दीपावली पर, यहाँ पर मैं अयोध्या की दीपावली दिखाऊंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के ब्लॉग्स लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।